नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। इंदौर क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए 1,00,000 रुपए कीमती की ब्राउन शुगर के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें क्राइम ब्रांच पुलिस पूछताछ करने में जुटी है और भी पुलिस को ड्रग्स तस्करों की जानकारी मिलने की उम्मीद है। इनमें पकड़े गए आरोपियों से दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच को लगातार शिकायत मिल रही थी कि अन्नपूर्णा क्षेत्र में 2 लोग नशे का व्यापार कर रहे हैं, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने सूचना के आधार पर घेराबंदी करते हुए 2 आरोपियों को करीब 1,00,000 रुपए की ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। वह प्रारंभिक पूछताछ में यह बात सामने आई है कि दोनों ही आरोपी राजस्थान के मादक पदार्थ लाकर इंदौर में सप्लाई किया करते थे। वह क्राइम ब्रांच के द्वारा इंदौर में फैले उनके नेटवर्क को लेकर भी उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। इंदौर से विजय तिवारी की रिपोर्ट, बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ, धन्यवाद। ऑपरेशन प्रहार के तहत हम लगातार मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं और इसी कड़ी में जो है 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया, उनसे लगभग 1,00,000 रुपए की ब्राउन शुगर 16 ग्राम हेरोइन द्वारा पकड़ी गई है। इसमें दोनों जो है पूर्व में भी इस चीज में संलिप्त रहे हैं। लगातार सूचनाएं आ रही थी नार्को हेल्पलाइन पे, क्राइम वॉच हेल्पलाइन पे, लगातार हमको सूचनाएं आ रही थी कि दोनों संलिप्त हैं और अपने आसपास के क्षेत्र लोगों को नशे की आदत लगा रहे हैं। इन दोनों को पकड़ा गया है, आगे इनसे पूछताछ जारी है। प्रथम दृष्टया राजस्थान का ही नेटवर्क इसमें सामने आया है, तो और इनके जो लोकल में क्या इनके संबंध है, संबंध में और जांच पड़ताल कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।